हाय दोस्तों, एसएमआर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। ये देखो नोकिया फ़ोन है। तो फिलहाल इसके प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, तो जब भी मैं यहाँ चार्जिंग लगाता हूँ तो देख सकते हो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहाँ बैटरी चार्ज नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ये वाला जो प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप इसे कैसे रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल मैंने क्या क्या किया है, इसमें काम किया है वो मैं बताऊँगा। पहले तो पहले मैंने इस सीसी बोर्ड को क्लीन किया, इस स्ट्रिप को भी क्लीन किया, ये जो कनेक्टर है कनेक्टर को थोड़ा लिक्विड डैमेज हुआ था इसे भी क्लीन किया, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ। एक बार मैंने इस चार्जिंग सॉकेट को भी मैंने चेंज कर दिया। तो फिलहाल ये वाला जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो स्ट्रिप या लिक्विड डैमेज होने से नहीं आई है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम में क्या किया, इस कनेक्टर को भी क्लीन कर दिया अच्छी तरह से, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो बाद में मैंने क्या किया, ये जो बैटरी है बैटरी मैंने मार्केट में से मंगाई, तो हमारा जो चार्जिंग का इश्यू था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये सब करके भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो बाद में ये जो बैटरी है इस बैटरी को मैंने चेंज कर दिया, और जो हमारा जो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था अभी इसमें सॉल्व हुआ दोस्तों। ये बैटरी लगा के आपको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। ये जो दिक्कत है दोस्तों, ये जो बैटरी है पुरानी वाली, इसमें प्रॉब्लम था, इसी के कारण वो प्रॉब्लम आया था। तो मैंने मार्केट में से दूसरी बैटरी चेंज कर दी, जो हमारा प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हुआ दोस्तों, देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस बैटरी को चेंज करके हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेके आता हो दोस्तों। जो इस कनेक्टर को मैंने क्लीन करके एक बार चेक किया, जो स्ट्रिप है स्ट्रिप को थोड़ा लिक्विड डैमेज हुआ था, इसी के कारण मेरे को लगा कि यही क्लीन करके हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। तो लास्ट में ये जो बैटरी है बैटरी को मैंने चेंज कर दिया, और जो हमारा चार्जिंग का इश्यू था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।